कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं और देखो ना मैंने भी तो उनसे कुछ पूछा ही नहीं। तो बस ऑटो करेंगे ना, ऑटो में भी लेके आना, ऑटो में भी लेके आना। मुझे कोई कम क्या पता, मुझे जो समझ आ रहा था वो कभी झूठ था ही नहीं। कितना नॉलेज है। गरजते हुए बादलों में उम्मीदों की बारिश थी, टहनियां लहराई, और इससे पहले कि मेरी जुबान उनका नाम लेती पापा, हम भीग गए। पर देखो ना हम घर साथ नहीं गए। बस आपका तस्वीर देखता हूं और सोचता हूं कि कभी आप भी मेरा नाम लोगे बेटा, लेकिन तस्वीरों का समंदर समझ नहीं आता, क्योंकि तैरना मुझे आता नहीं और बहने पे किनारा मिलता नहीं। पर आपकी कही हुई हर बात याद है मुझे, कि रास्तों के मुड़ जाने से मंजिल नहीं बदलता, पुरानी यादों में खो जाने से वक्त नहीं बदलता। एक तू है और तेरा ये एहसास है, लिख दे भले ही दुनिया की सारी दास्तां, चंद पंक्तियों से तेरा वजूद नहीं बदलता। लेकिन अच्छा लगा उस दिन आपने पूछा कि सुना है तेरे सपने पूरे हो गए हैं, और मैंने कहा हाँ पापा, लेकिन ये सफर अधूरा है, क्योंकि देखो ना ये कहानी भी तो अधूरी है। बहुत खूब, बहुत अच्छा, जितना रोमांटिक माहौल बना था उतना गंभीर हो गया। अब आगे 18 सालों से अपने काम में, एक तो बहुत बड़ी बात होती है कि आप अपने काम के बीच में अपने शौक के लिए समय निकाल देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने शौक के लिए समय निकाल के रखने का मतलब है आप कहीं ना कहीं अंदर जिंदा हैं, क्योंकि एक जो काम आपको करना है वो करना ही है, क्योंकि आपको अपनी जिंदगी चलानी है, पैसे कमाने हैं। इस बीच में आपके अंदर का जो कार्टूनिस्ट है, आपके अंदर का जो राइटर है, आपके अंदर का जो सिंगर है, उसको बचा के रखना अगर आपने बचाया हुआ था बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और यहाँ तो जो अगले शख्स है उन्होंने सबको बचा के रखा हुआ है, वो कार्टून भी बना लेते हैं, लिख भी लेते हैं, इवेंट्स करते रहते हैं, टीम यूटन का बहुत जरूरी हिस्सा रह चुके हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए विशाल भैया।